हेलो स्टूडेंट्स कैपेसिटर चैप्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इस अपना कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपैसट इन पैरल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स केपैसट नुपिंग की जाती है ता कि आपनी डिजायड जो भी अपनी कैपैसटें लैं चाहते हैं वह आप लै सकी है. ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੋਡਸ ਦੱਸੇ ਆ ਗਰੂਪਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੈਸਟਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੈਪੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪੈਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੂਪਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੈਸਟਰ ਜਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੋ ਮੋਡਸ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਰੂਪਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਗਰੂਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਰੂਪਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੈਸਟਰ this is symbol of capacitor apne kol c1 ik capacitor hai theek hai and ik hor capacitor hai c2 es tarah hi ik hor capacitor hai c3 ina tin capacitors nu appa series vich connected taa kamange jadon eh ik point de vich

ਇਹ 3 ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ C1 C2 ਐਂਡ 3 C3 ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ +Q ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ वन कपैस प्लेट दे ठीक है लैफ्ट प्लेट चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू दैन इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज पुल करेगा नैगेटिव चार्ज अप टू अपू राइट प्लेट ऑफ सी वन ठीक है सी वन ही राइट प्लेट न इलेक्ट्रिक फील्ड करके पुल करेगा इस करके राइट प्लेट ऑफ सी वन विच नैगेटिव चार्ज आ जाएगा शो भी हो रहा है देखो सी वन दैफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है एंड राइट प्लेट पर नैगेटिव चार्ज है उस तो बाद यह जो माइनस क्यू चार्ज आ गया यह लैफ्ट प्लेट ऑफ सी टू उस वल जाएगा उससे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा इस करके लेफ्ट प्लेट ऑफ सी टू विच प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा एंड इस तरह ही राइट प्लेट ऑफ सी टू इस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है इस तरह ही अगे जाके सी थ्री तक इस तरह इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होएगी पर देखो इना कपैसिटी डिफरेंट डिफरेंट है हरेक कपैसटर इस टाइम सेम चार्ज क्यों रिसीव कर रहे हैं बट इना कपैसिटी डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है थीके? इन सीरीज कंबीनेशन देना सेम चार्ज क्यों देता इन्हों बट इना कपैसिटी डिफरेंस है ठीक है थीके? इस करके पोटेंशियल डिफरेंस एकरोस थ्री कैप्टरस आर डिफरेंट चार्ज सेम दिता वे हरेक कपैसटर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया ठीक है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस करके पोटेंशियल वैल्यू जी है अलग अलग होएगी यू कैन सी कपैसटर वन देख पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वी वन कपैसटर टू च वी टू कपैसटर थ्री च वी थ्री ठीक है पर टोटल जरा आप वी प्रोवाइड किया वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ठीक है हम आप देखना वी वन कि होगा वी टू होएगा एंड वी थ्री होएगा हाँ जी वैसे इन जनरल वी फार्मूला थोड़ा पता है क्यू अपॉन सी ठीक है चार्ज अपॉन कपेस्ट वी वन कि होकरोस कैपेसिटर वन वी वन विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन क्योंकि क्यू अपना सेम चार्ज वी टू कीऊ अपॉन सी टू एंड वी थ्री होगा क्यू अपॉन सी थ्री हाँ जी हम आप इक्वे दिस वन इक्वेशन दिस इक्शन वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो इस इक्वेन आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं वी इज इक्ल टू क्यों अपॉन सी वी वन इज इकल टू क्यों अपॉइन सी वन वी टू इज इकल टू क्यो अपन सी टू इस तरह ही वी थ्री अपने को आ गई दिस वन ठीक है सी की है सी सीए इक्ुंट कैपेसिटेंस है या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कह देंदेन या टोटल कपैसीटेंस कह दें ठीक है सी नाउ इस देख सकते हो क्यों उपर जगह न्यमीनेटर सारे कैंसल हो जाएंगे अपने को वन अपॉन सी टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री ठीक है जी ये आ गया अपना सीरीज कंबीनेशन टोटल कपैसर ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਪੈਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਗਾਤਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗਾ 1/c1 1/c2 1/c3 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ sigma ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ Ci, मतलब को आई, आई मतलब अपने अप आई जो है कपैसटर हैं आई मतलब कपैसटर वन तो लैके एन तक हो सकते हैं तो उन्होंने टोटल होएगा वन अपॉन सी ठीक है वन अपॉन सी सिग्मा सिगमा वन अपॉन सी आई मतलब रेसीप्रोकल ऑफ इक्ुअल कैपेसिटेंस कपैसटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ कपैसटर ज्वाइंट इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसीप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है जी एफेक्टिव कपैसटें कंबीनेशन हमेशा जोड़ी टोटल आ गई इंडिविजुअल कैपेसिटेंस तो घट होएगी मतलब जिमें अपने को आ गई ठीक है टोटल सी वैल्यू आ गई सी वैल्यू सी वन तो भी घट होएगी सी टू तो भी घट होएगी एंड सी थ्री तो भी घट होएगी उस तो बाद आप करना है पैरल कंबीनेशन ऑफ कपैसटर जो आप कपैसटरसू पैरल लगाना कपैसटर पैरल लगा मतलब कनैक्ट करना आप दोंट्स केरल कनैक्ट करना है देखो डायग्राम दे एक केपैसटर है अपने को सी वन दैन सैकेंड सी टू थर्ड सी थ्री इस तरह करके आपक्ट किया हो मतलब आप इफ़ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलोंग डिफरेंट पाथ ठीक है सी वन तो टू तो सी थ्री विच अलग अलग आप अलग अलग पाथ चूज करा हाँ जी उस तो अगे आ जाओ आप वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता एकरोस दिस कंबीनेशन ठीक है सी वन सी टू सी थ्री द कंबीनेशन आपटेंशियल डिफरेंस वी अपलाई करता हूँ इस ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਥਰੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ1 ਦੇ ਸੀ2 ਤੇ ਸੀ3 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਕੈਪੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ q1 q2 ਐਂਡ q3 ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ देखो पोटेंशियल इज सेम ईच कैपेसिटर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंस मतलब टोटल क्यू किल होएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्योंकि जो आप चार्ज दे रहे हैं ऑन पैरेलल नेटवर्क टोटल चार्ज की होएगा सम सम ऑफ़ समी चार्जेस ऑन ऑल कैपेसिटर्स। बट आपू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की पता है कि क्यू वन फस्ट देऊ वन फस्ट कपैसटर ते आ जाओ क्यू वन कि इक्वल होएगा क्यू वन विल बी इक्वल टू सी वन इंटू वी ठीक है एंड क्यू टू विल बी इक्वल टू सी टू इन टू वी क्यू थ्री =c3 v ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿਹ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ c v c ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ c ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਾਂ c ਟੋਟਲ c ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਚਲੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ दे सिकुएशन द्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री दे विच, सारी वैल्यूज़ पुट करती क्यू दिस वन ठीक है इस तरह ही क्यू वन क्यो टू एंड क्यो थ्री अपने कोल नैट ही आ गया इसी इस दे वी सेम है सारिया वी कैंसल हो जाएगा अपने को आ जाएगा रिजल्ट सी इज इकल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री मतलब जनरल के जे एन कपैसट आपनैक्ट करिए पैरल अपने को फॉर्मूला इस तरह आएगा पैरल देगा सीआई सीरीज सी वन अपॉन सीआई पैरल चाहिएगा सिगमा आई इक्वल टू वन अपू एन दई मतलब द इफेक्टिव कपैसटेंस या टोटल कपैसिटेंस की होंगी है सम ऑफ द इंडविजुअल कपैसटेंस इसवेंगे जो पैरल कंबीनेशन है अपने टोटल जिनी कपैसिटेंस आई है वह सी वन सी टू या सी थ्री तो ज़्यादा होएगी वैल्यू ज़्यादा होएगी ठीक हो है दिफैक्टिव कपैसिटेंस इन पैरल कंबीनेशन इज लार्जर दैन द लार्जेसट ऑफ द इंडिविजुअल कपैसटेंस सब तो व्डा जोड़ा कपैसटर है वो भी ज़्यादा होएगी क्योंकि सिंपली एड हो रही है ठीक है कपैसटन सिंपली ऐड हो रही है उस तो बाद अगला अपना टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैरी ईजी ध्यान सुनना सारिया ने एनर्जी स्टोरड इन अ कपैसटर आपू पता है कपैसटर की है एक सिस्टम है जिस दे विच टू कंडक्टर्स कंडक्टरस चार्ज हों प्लस क्योते माइनस क्यो इन आप थोड़ी जी डिस्टेंस अपार्ट दे, रखते हैं ठीक है अपने को दो कोडक्टर हैं एक तो चार्ज है प्लस क्यो एक है माइनस क्यो थोड़ी डिस्टेंस से रखे हुए हैं इन दनर्जी स्टोर कनी आप इस सपोज कर लें कि ये है, है नंबर टू एंड दिस इज़ नंबर वन चार्ज इनीशियली सपोज करो अनचार्ज कर है ठीक है वन एंड टू कंडक्टर इनिशियली अनचार्ज है आप सपोज़ कर लें कि पास पोजिटिव चार्ज जो है वह अपना ट्रांसफर करना फ्रॉम कंडक्टर टू टू कंडक्टर वन थोड़ी थोड़ी अमाउंट के आपकटर नंबर दो तक तो अपना चार्ज ट्रांसफर करना ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ DQ ਲੈਣਾ স্মল ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DQ ਨਾਲ ਰਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਡਕਟਰੜਾ 1 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ 1 ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਰ 2 ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਰਜ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟਰ 2 ਊਡ ਅਕਵਾਇਰ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ देन ਕੰਡਕਟਰ ਟਿਊਬ 2 ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਰ 1 ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡਕਟਰ 2 ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ वन से चार्ज प्लस क्यू है तो कंडक्टर टू पर जो है चार्ज है माइनस क्यू है दैन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर की होएगा क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी ठीक है द मूमेंट चार्जिंग स्टार्ट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स देयर फोर टू ट्रांसफर चार्जिज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज टू बी डन दिस वर्क इज़ स्टोरड एज इलैक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कपैसटर ठीक है यही आर्टिकल है ना अपना एनर्जी स्पो स्टोरड इन आ कपैसटर यही जगा पोटेंशियल डिफरेंस ये जो अगेंस्ट वर्क करना पै रहा है यही वर्क इलैक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी दम कपैसटर के स्टोर होंगे कर लो डी चार्ज ट्रांसफर करना है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी डन कि होगा आपी यू एनर्जी कह दें ना पोटेंशियल एनर्जी ठीक है वह फॉर्म की है डन दी ही है इस करके डी यू इज इक्वल टू डी डबल्यू दैट इज इक्वल टू वी इन टू डी क्यू दिस इक्वेशन ठीक है हूँ आप वी दी वैल्यू भरी है क्यू आप इन टू डी क्यू ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ એનર્ਜੀ ਕਿਉ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ dQ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੀ ਦਿਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ Q ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ U ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫ੍ਰੋਮ 0 ਟੂ Q ਚਾਰਜ Q C dQ दिस सी इज़ कॉन्सटेंट ए इंटीग्रेशन नहीं करना है ठीक है आप इंटीग्रेशन करना है, केउ का इंटीग्रेशन पावर वन है किऊ स्केयर अपॉन टू हो जाएगा ठीक है लिमिट्स पर भर जीरो तो क्यू केओ की जगह क्यों ही लिमिट पर भरेगी यू इज इकल टू हाफ केउ स्केयर अपॉन सी या कह सकते आप तुम देखो हूँ इस तो आप अगर किन्ने फार्मूले बना रहे हैं। सब तो पहला अपने को फार्मूला आ गया यू इज इकल टू हाफ केउ स्केयर अपॉन सी ठीक है बट अपने कोल केउ हूँ केज टू सी इन टू वी इस वाले क्यू के दिस क्यो पहली क्वेचन के वी पर स्केयर ਆਪਾਂ v² ਬਟ c ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ u 1/2 c v². ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ q cv ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ cv ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ cv q। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ c v ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ एक q ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक है अपने को एक वी इतने लैफ्ट आउट हो जाएगी अपने को इक्वेशन बन जाएगी यू इज इक्वल टू हाफ क्यो वी ठीक है क्यू की है कूलम के होएगा वी होएगा वोल्ट वोल्टी का यूनिट होएगा फेरेड एनर्जी का हो यू यूनिट होएगा यू का जाऊल ठीक है ये सारे यूनिट्स नीमेरिकल सॉल्व कर सकते हो दिस इज़ द आर्टिकल एनर्जी स्टोरड इन अ कैपैसटर अगला है एनर्जी डेंसिटी छोटा जहा है ये ये थो एक या दो नंबर च आ सकता है वट इज एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला याद हो गया होना उन हुन तक थोनू सी इज इक यू इज इकल टू हाफ सी इन टू वी स्केयर राइट बट सी की पढ़ के आए हैं ए एक्सलन नॉट अपॉन डी ठीक है उसद देखो वी की हों हों ई इन टू डी ठीक है आप दो तीन इक्वेन्द्र पुट करके थो दिखा है वी इज इक्वल टू e into d हाँ जी आप हूँ इस इक्वेन के सी वैल्यू इथों लैली वी वैल्यू इतों लै ली आह अपा इक्एशन यू दैल्यू आ गई हाफ एप्सलर नॉट ए डी इंटू ई स्केयर हाँ जी इस अगर देखो एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी होंगी की है एनर्जी डेंसिटी होंगी है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ठीक है हम वॉल्यूम दिस एनर्जी एंड नीचे आप्यूम लै रहे ए डी एरिया इंटू अदर थर्ड डायमेंशन वॉल्यूम हूँ अपनी ठीक है एरिया लैंथ इंटू प्रोडक्ट लै लिया थर्ड डायमेंशन आपी न डोनेट कर रहे हैं ठीक है एक्चुअली जी यू होएगी यू अपॉन ए डी देल होगी इस तो देखो अगे की बन जाती है क्वेश्चन ये कैंसल करके देखो अपने को कैंसल हो गया यू अपने को आ गया हाफ एप्सल नॉट इन टू ई स्र एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटीज जाऊल पर मीटर क्यूब ठीक है मतलब एनर्जी डेंसिटी जनरलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। अगला टॉपिक है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज़ कंबीनेशन ऑफ कपैसटर हूँ आप देख लिया ना कि सीरीज कंबीनेशन हों पैरेलल कंबीनेशन हों पर एनर्जी भी स्टोर हुई भी होंगी है वह एनर्जी स्टोर किमें हुई होंगी है ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 c 1 c1 1 c2 ਐਂਡ ਸੋ ਓਨ ਅਪ ਟੂ n ਬਟ u ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ u ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 q² c ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ अपने को आ गया यू इज एकल टू हाफ केउ स्केयर ब्रैकेट के वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस अप टू वन अपॉन सी एन इस तो फाइंड आउट कर लिया u इज एकल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस अप टू यू एन क्योंकि अपने को ले पूरी इक्वेशन जी हैगी है ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ U1 U2 U3 UN ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ तुम्हें पता है पैरल सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू सी एन होंगे ठीक है अगेन यू का फॉर्मूला लिखना है, हाफ सी इन टू वी स्केयर सी वैल्यू पुट करनी है दिस सी वैल्यू दे वाली पुट करनी है अपने को आ गई ठीक है अगेन आप कह सू इजकल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस अप टू एन मतलब टोटल एनर्जी स्टोर चाहे वह सीरीज कंबीनेशन से चाहे पैरल कंबीनेशन है कपैसटर का दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जीज स्टोरड इन इंडिविजुअल कपैसटरस ठीक है यही होगी अपनी एनर्जी स्टोर अच्छा इन्ना ही करना है, यह भीडियो ध्यान नोट्स बनाने हैं ठीक है समझना है, है चंगी तरह समझ के लिखना है, जे कुछ नहीं समझ आया तो मैं कॉल कर सद મેને મેસેજ કર શકતે હો થેન્ક્સ બેટા ટેક કેર